जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पिछले दिनों समाहरणालय, जिला अधिकारी आवास, एसपी आवास एवं कार्यालय तथा डीएसपी कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की जांच कराई। दो दिन पहले डीएम आवास के कर्मी भी संक्रमित मिले। अब एसपी और एसडीओ कार्यालय के कर्मी भी संक्रमित मिले हैं। यह जानकारी चौंकाने वाली है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो यही स्पष्ट कर रही है। आज रविवार को कुल 11 लोगों की रिपोर्ट सामने आई, जिनमें से 6 सरकारी कर्मचारी हैं जो डीएसपी कार्यालय, एसपी कार्यालय के आवास पर तैनात हैं। 6 सरकारी के अलावा 5 अन्य लोगों में पीपी रोड, अस्पताल रोड, कोइरपुरवा, चुरामनपुर और डुमराव के एक व्यक्ति का जिक्र है। इसके साथ ही जिले के कुल मरीजों का आंकड़ा 300 पहुंच गया है। फिलहाल जिले में कुल सक्रिय रोगियों की संख्या 59 है। बक्सर में 10 जुलाई से 12 जुलाई तक लॉकडाउन का चरण खत्म होने वाला है। इससे पहले अब फिर से प्रशासन ने नया गाइडलाइन जारी कर आदेश निर्गत किया है। आदेश के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश पर बक्सर जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण को लेकर 3 दिनों के बंदी के आदेश को बढ़ा दिया गया है। अब इसकी अवधि 17 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। जिले में सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य निजी संस्थान कार्यालय बंद रहेंगे। दरअसल जिला मुख्यालय ने 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि। एसपी आवास और डीएसपी कार्यालय में मरीज मिलने से प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। जिले में कुल मरीजों की संख्या 300 पहुँच चुकी है। 241 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 59 है। हालांकि कोरोना के बढ़ते दायरे को देखते हुए सुरक्षा के साथ साथ जागरूकता ही बड़ा हथियार माना जा रहा है, और यही वजह है कि जिले के अधिकारी सड़कों पर माइकिंग के जरिए भी न केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि घूम घूम कर भी लापरवाह लोगों को रोका टोका जा रहा है। एक अभियान के तहत संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अधिकारी भी अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों का भी मानना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए खुद से सावधान रहने के साथ साथ जागरूकता की आवश्यकता है। वैसे लोगों के लिए सख्ती भी बढ़ाई जानी जरूरी है, जो जानबूझकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कोरोना वायरस के फैलने में मददगार बन रहे हैं। ये ऐसा रोग है कि एक आदमी भी यदि टच में आ गया हमारे आपके बीच में, तो पता नहीं कितना फैला देगा। जहाँ जहाँ संपर्क में आप 4 आदमी के साथ मिलते हैं, हम 10 आदमी के साथ मिलते हैं, फिर हम आप मिलते हैं, तो ये बातचीत का सिलसिला कार्य के दौरान बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन का आप भी पार्ट हैं, हम भी पार्ट हैं, पब्लिक के लिए आप भी हैं, हम भी हैं। अभी इस सड़क पर हैं, आपके पीछे से कोई गुजर जाएगा, नहीं आप जान रहे हैं, उसमें लक्षण भी नहीं आ रहा है। अभी अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसा नहीं है कि जिसको सर्दी, खांसी, बुखार ये तीनों हो तभी पॉजिटिव हो रहा है। वो अभी नहीं आ रहा है, वो बाद में आता है, उसके पहले जांच हो जाता है तो हो जा रहा है। इसलिए सचेत रहने के लिए एक अभियान है ये, और इसमें लोगों का सब सहयोग मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडीएफ न्यूज़, बक्सर।